तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं एडवांस बुकिंग के एक और न्यू एपिसोड में वापस, जिसमें हम चारों मूवीज़ की एडवांस बुकिंग देखेंगे, गदर 2, OMG 2 एंड जेलर एंड भोला शंकर। तो भाई 8th ऑफ अगस्त लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है एंड जेलर को लगभग एक दिन बचा है टुमारो का, बाकी तीनों मूवीज़ के लगभग दो दिन बचे हैं। एंड शाम वाला एपिसोड आप सभी को पता है कि हम सभी मूवीज़ की देखेंगे 24 घंटे में कितनी एडवांस बुकिंग हुई, यानी कल शाम 9 बजे से लेके अभी रात के 9 बजे तक। तो बात करते हैं फुल डिटेल्स का। उससे पहले सबसे छोटे बाजार में अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब इसी तरह अपडेटेड वीडियोज़ के लिए। तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा आते हैं अपने गदर 2 पे। सबसे पहले तो भाई गदर 2 की बात करूँ, उससे पहले यहाँ पे शोज़ पर नज़र डालते हैं कि कहाँ पे क्या सीन चल रहा है। भाई दिल्ली NCR में 490 शोज़ है फाइनली गाइस हो चुके हैं, जिसमें से 125 शोज़ हैं गाइस वो फुल हो चुके हैं और 125 शोज़ ही हैं गाइस वो फिलिंग फास्ट चल रहे हैं, जिसमें से स्टार्टिंग से 33% ऑक्युपेंसी आ रही है एंड 1.72 करोड़ दिल्ली NCR में अभी तक एडवांस कलेक्शन गाइस वो हो चुके हैं विद ब्लॉक सीट्स के साथ। बात करते हैं गाइस मुंबई की, 407 शोज़ हैं, 14 शोज़ हैं गाइस वो यहाँ पे फिलिंग फास्ट चल रहे हैं, 42 शोज़ हैं गाइस वो लगभग फुल हो चुके हैं एंड यहाँ पे 14% ऑक्युपेंसी आ रही है स्टार्टिंग से और 60 लाख से ज़्यादा यहाँ पे गाइस एडवांस कलेक्शन है वो हो चुका है। आगे बात करते हैं गाइस पुणे की, तो पुणे में 136 शोज़ हैं गाइस एंड 3 शोज़ हैं गाइस यहाँ पे फिलिंग फुल हो चुके हैं, 13 शोज़ हैं गाइस वो फिलिंग फास्ट चल रहे हैं, 11% स्टार्टिंग से ऑक्युपेंसी आ रही है उस 22% के आसपास गाइस, नहीं 22% नहीं 22 लाख से ज़्यादा एडवांस बुकिंग है गाइस वो हो चुकी है। भाई यहाँ पे स्टार्टिंग से इसने इस तरह एडवांस बुकिंग की है ना, मैंने NCR हो गया, मुंबई हो गई, जो पुणे बताई, यहाँ पे के मूवीज़ भाई डे नंबर 1 में इतना क्वेश्चन कर दी है और इसने यहाँ पे एडवांस में क्वेश्चन कर लिया। बाकी तो छोड़ो, अर्जुन कपूर की डे नंबर 1 में टोटल क्वेश्चन कर दिया पूरे ऑल इंडिया में, जहाँ इसने सिर्फ NCR में 1.72 करोड़ विद ब्लॉक सीट के साथ एडवांस क्वेश्चन गाइस वो कर लिया। ये सन्नी दियो भाई। बात करते हैं बेंगलोर की, 98 शोज हैं, 9 शो फुल चुके हैं, 7 शो फिलिंग फास्ट, 12% ऑक्युपेंसी और 13 लाख से ज्यादा यहां पे भी एडवांस बुकिंग है गाइस वो हो चुके हैं विद ब्लॉक सीट्स के साथ। भाई बेंगलोर के अंदर जेलर के बावजूद भी भाई ये जलवा है भाई का। अहमदाबाद की बात करते हैं, 245 शो, 18 शो फुल हो चुके हैं, 24 शो फिलिंग फास्ट चल रहे हैं और 17% के आसपास ऑक्युपेंसी आ रही है और 25 लाख से ज़्यादा यहाँ पे भी एडवांस हो गया गाइस वो हो चुकी है विद ब्लॉक सीट्स के साथ। सूरत की बात करते हैं, 150 शो, 18 शो फिलिंग फास्ट चल रहे हैं, फुल फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, 13% के आसपास ऑक्युपेंसी आ रही है और 16 लाख से ज़्यादा यहाँ पे एडवांस कलेक्शन गाइस हो चुका है विद ब्लॉक सीट्स के साथ। दिस इज द पावर ऑफ सन्नी देओल एंड हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है एंड रहेगा। भाई डायलॉग्स के बीच में दम भी है, तभी तो ये सब हो रहा है। जयपुर की बात करते हैं, 122 शोज है, 37 शो फुल हो चुके हैं, 43 शोज यहाँ फिलिंग फास्ट चल रहे हैं और 43% के आसपास ऑक्युपेंसी भी आ रही है। भाई लगभग 50 को टच करेगी ये एडवांस में ही, एडवांस में 50% ऑक्युपेंसी गाइज अपने आप में ये बड़ी बात होती है और 54 लाख से ज़्यादा यहाँ पे एडवांस हो गई गाइज वो हो चुकी है विद ब्लॉक सीट्स के साथ। चंडीगढ़ की बात करते हैं, 60 शोज हैं, 5 शो फुल चुके हैं, 11 शो फिलिंग फास्ट हैं, 21% ऑक्युपेंसी आ रही है और 11 लाख से ज़्यादा चंडीगढ़ में भी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। भाई चंडीगढ़ में हिंदी मूवीज़ को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स गाइस वो नहीं मिल रहा है और यहाँ पे 11 लाख से ज़्यादा एडवांस बुकिंग कर चुकी है भाई, सिर्फ और सिर्फ एडवांस में ही। फाइनली गाइस नंबर्स बताओ वो कितने हुए हैं। देखो भाई कल शाम 9:30 से लेकर 9 बजे के बीच में जब हमने लास्ट बार डिस्कशन किया था, लास्ट बार नहीं, हमने सुबह भी बात की थी अभी, लेकिन हम 24 घंटे में बात कर रहे हैं अभी, तो 4.60 करोड़ की हुई थी, 4 करोड़ 60 लाख की, और गाइस अभी हुई है 6.19 करोड़ की। मैंने बोला था कि 2 करोड़ कर सकती है यानी 6 करोड़ 60 को टच कर सकती है, बट गाइस ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन इसके पिछले दिन इसने 24 घंटे में 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग की थी, जो कि आज फाइनली गाइस 1 करोड़ से तो ज़्यादा तो की है, 1 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ से ज़्यादा की है, 24 घंटे में 1.5 करोड़ से ज़्यादा एडवांस बुकिंग गाइस। भाई ये तो अब सन्नी देओल फार्म में आ चुके हैं एंड यहाँ पे 2,43,000 से ज़्यादा टिकट्स हैं बिक चुके हैं और कल इसी टाइम 1,81,000 टिकट्स बिके थे। भाई लाइन लगा ली है, हर एक प्लेसेस में बागवा रंग है गाइस वो छा गया है एंड अब ये कंफर्म है। पहले हम 2 दिन बात कर रहे कि 30 करोड़ करेगी या भी नहीं करेगी डे नंबर 1 में, बट गाइस अभी 110% कंफर्म हो गया कि 30 से ज़्यादा ही करेगी, इवन 35 को भी टच कर सकती है इसका ओनली फॉर नेट क्वेश्चन। ठीक है गाइज ये हो गया यहाँ पे बोला नहीं यहाँ पे गदर 2 की अपडेट। ठीक है अब बात करते हैं, हाँ मैंने वो थंबनेल में मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि आपको कि
हॉलीडे बहुत बोल रहा हूँ उसकी लास्ट में बात करेंगे कहाँ पे हुआ इन मूवीज की वजह से हॉलीडे। ठीक है, बात करते हैं गाइस यहाँ पे अब OMG2 की। OMG2 का क्या सीन चल रहा है भाई, उसकी मैं नंबर्स की बात करूँ उससे पहले शोज पर नज़र डाल लेते हैं उसके भी। NCR में 385 शोज में 9 शोज फुल हो चुके हैं, 15 शो फिल्म फास्ट चल रहे हैं और 6% ऑक्युपेंसी आ रही है। देखो भाई अक्षय कुमार का टाइम अभी भी अच्छा नहीं आया है। मुंबई की बात करते हैं 275 शो 5 शो फुल हो चुके हैं, 8 शो फिल्म फास्ट और 7% ऑक्युपेंसी आ रही है। फिलहाल के लिए गाइस सेकंड डिजिट इसको क्रॉस कर लेना चाहिए, अब इसकी सिर्फ और सिर्फ आज 8 तारीख हो चुके हैं, 9:10 बजी है और अभी ऐसा हुआ नहीं है। पुणे की बात करते हैं 108 शोज यहाँ पे 8 शो फिलिंग फास्ट चल रहे हैं, बाकी 6 ऑक्युपेंसी वगैरह। बेंगलोर में 91 शो 4 शो फुल 6 शो फिलिंग फास्ट 6% ऑक्युपेंसी। देखो भाई जब इन दोनों मूवीज़ की एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी ना यहाँ पे गदर 2 की एंड यहाँ पे बात करूँ मैं इसकी, तो यहाँ पे OMG2 को ज़्यादा शोज मिले थे और अभी के टाइम OMG के शोज 50% कम है एज अ कम्पेयर गदर 2 जी। इसलिए कम शोज हुए क्योंकि मूवी की कोई एडवांस बुकिंग काफ़ी ही ज़्यादा कम हो रही है और इसके चक्कर में इसको स्क्रीन भी काफ़ी कम मिलेंगी। तो गाइस ये रहा OMG2 के शोज। अगर नंबर्स की बात करूँ इसको 72 लाख कल हुई थी एंड अभी हुई है गाइस लगभग 98 लाख ही। चलो पिछले दिन के मुकाबले एडवांस बुकिंग थोड़ी ज़्यादा तो की है एंड 23,000 कल टिकट्स बिके थे, जस्ट अभी 32,000 से ज़्यादा टिकट्स बिक चुके हैं। अच्छे नंबर से गाइस हम OMG2 से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद तब इसकी 1 करोड़ से ज़्यादा एडवांस हो गई गाइस वो जा चुकी होगी विदाउट ब्लॉक्स। तो गाइस ये रहे एंड इसकी एडवांस बुकिंग से देख कर तो गाइस यही लग रहा है कि 7 to 8 करोड़ ये ओपनिंग है गाइस वो लेने वाली है, 7 to 8 करोड़ ओनली फॉर नेट। क्या पता सेकंड डिजिट को क्रॉस कर सकती है, ये कल शाम को हमें पता चल ही जाएगा लगभग। एंड गाइस ये रही इसकी बात करते हैं गाइस अब बोला शंकर की चिरंजीवी की। भाई ये भी एक समय के सुपरस्टार हुआ करते थे बट अभी का टाइम इनका टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अभी तो भैया जूनियर NTR रामचरण का टाइम चल रहा है, आप तो सही है सन्यास के टाइम हो गए भाई। जहां मैं बात करूं बोला की तो भाई बोला की 48.50 की हुई थी कल शाम इसी टाइम और 24 घंटे के बाद हुई है इसकी 74 लाख। चलो ठीक ठाक है, यहाँ पर नंबर्स आए गए 20 लाख से ज़्यादा है एंड लगभग 25 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। 25,000 कल टिकट्स बिके थे और अभी लगभग 40,000 से ज़्यादा टिकट्स हैं वो बिक चुके हैं। ठीक है, ये हो गया बोला शंकर। बात करते हैं गाइस यहाँ पे जेल रजनीकांत सर। भैया इनका जलवा में साउथ की बात करूँ, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था इनको भगवान की तरह पूजते हैं, इनके मंदिर हैं भाई तमिलनाडु के अंदर। ये कोई सिर्फ सिर्फ स्टार नहीं है, सुपर स्टार भी नहीं है भाई, एक सुपर स्टार से कोई ऊपर वाला कोई वर्ड ले लो, ये वो वाले स्टार हैं, ये मतलब गॉड एंड गॉड। एंड भाई इनकी बात करूँ गाइस तो इनकी मूवी को किस तरह रिस्पॉन्स मिला उससे पहले शोज़ पर नज़र डालते हैं। NCR में 85 शोज़ हैं सिर्फ हम तमिल में देख रहे हैं। NCR मुंबई जितने प्लेसेस हम बात करेंगे ये तमिल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बाकी हिंदी में वैसे भी इसकी एडवांस बुकिंग गाइस अभी ओपन नहीं हुई है एंड देखते हैं कब तक ओपन होती है। भाई NCR में 85 शोज में 5 शोज फिलिंग फास्ट, 5 शो फुल हो चुके हैं, 11 शो फिलिंग फास्ट एंड 12% ऑक्युपेंसी आ रही है तमिल में। NCR में गाइस 12% ऑक्युपेंसी और एक NCR में एक हिंदी मूवी यानी हिंदी OMG2 उसकी अभी 10% से पार ऑक्युपेंसी नहीं गई है और ये तमिल वर्जन में इतनी ज़्यादा। भाई साहब ये जेलर की पावर है, रजनीकांत ही कर सकते हैं। मुंबई 87 शो 10 शो फुल हो चुके हैं, 14 शो फिलिंग फास्ट चल रहे हैं, 13% ऑक्युपेंसी। भाई दिल्ली NCR में हिंदी व्यूवर्स आइडियंस से ज़्यादा है एज अ कम्पेयर, अब आप हिंदी मूवी को इन मूवीज़ के मुकाबले ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए बट गाइस ऐसा है नहीं है, तमिल को ज़्यादा मिल रहा है। बात करते हैं बेंगलोर की 880 शोज़ 200 शो फुल हो चुके हैं, 168 शो फिलिंग फास्ट चल रहे हैं। भाई साहब क्या ही बोलूं मैं, 31% ऑक्युपेंसी आ रही है जेलर की। बात करते हैं हैदराबाद की, हैदराबाद में 116 शो 10 शो फुल हो चुके हैं, 13 शो फिलिंग फास्ट एंड 20% के आसपास यहां पर भी ऑक्युपेंसी आ रही है। बात करूँ चेन्नई की 794 शो, भाई चेन्नई में 100% ऑक्युपेंसी रहने वाली है डे वन में, ये तो अभी से ही कन्फर्म है। एंड अभी की बात करूँ तो 580 शो उसमें से टोटली फुल हो चुके हैं, भाई 600 शोज ले लो मोटा मोटा फुल चुके हैं, कितना 800 शोज में, 800 शोज में 600 शोज टोटली फुल हो चुके हैं, एक सीट भी खाली नहीं है एंड उसमें से 63 शोज हैं वो फिलिंग फास्ट चल रहे हैं। भाई साहब ये हो क्या रहा है एंड 70% ऑक्युपेंसी आ रही है, 77% ऑक्युपेंसी सिर्फ और सिर्फ एडवांस में ही, अभी और 2 मारों का दिन बाकी है, यहाँ पर एडवांस में ही 100% ऑक्युपेंसी जाएगी उसके बाद कुछ भी नहीं। भाई कंबोत्रा 167 शोज में 138 शोज यहाँ पे फुल हो चुके हैं, 14% ऑक्युपेंसी और 80% ऑक्युपेंसी आ रही है यहाँ पे,
80% ऑक्युपेंसी यहाँ पे भी भाई तमिलनाडु तो पूरा का पूरा फुल रहने वाला है 10th August को। एंड मैं आप सभी को ये भी बता दूँ साथ साथ में कि यहाँ पे 10th August चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया है, कन्फर्म हो गया, उस दिन छुट्टी है भाई 10th August को। रजनीकांत की मूवी, रजनीकांत सर की मूवी आ रही इसलिए छुट्टी है, कोई और कुछ भी नहीं है, इनकी मूवी आ रही है इसलिए छुट्टी है भाई, सरकारी छुट्टी उस दिन। कब देखा था आपने ऐसा बार कोई, और यहाँ पे कोई हिंदी मूवी आती है तो ऐसा होता है कभी, आज इस एक्टर की मूवी आ रही है तो इस दिन हॉलीडे छुट्टी रखो उस दिन भाई, इस ये तो सिर्फ भाई रजनीकांत सर के लिए होता है, बाकी नजर के लिए आप ही नो ही ले लो। तो फाइनली गाइस ये रही सभी मूवीज की एडवांस बुकिंग 24 घंटे की, एंड सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग फाइनली मैंने नंबर से बताया ही नहीं भाई, जेलर का नंबर आया भाई 7.50 हुई थी कल, जो कि आज हुई है 11.45 करोड़ की, 11 करोड़ 45 यानी 11.5 करोड़ इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है सिर्फ तमिल एंड तेलुगु में, एंड 534,000 से ज़्यादा टिकट्स गाइस वो बिक चुके हैं इसके, एंड 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जेलर की हुई है, दूसरे नंबर गाइस यहाँ पे गदर 2, तीसरे नंबर गाइस सिमिलर ही है ना, यहाँ पे जो अगर बोला की बात करूँ एंड OMG 2 की बात करूँ, हाँ ये सिमिलर ही है दोनों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एडवांस ओपनिंग की बात करूँ गाइस तो 45 करोड़ दिख रहा है मुझे यहाँ पे नेट जेलर का, एंड 33 to 34 ही दिखने लगा है मुझे जस्ट अभी, 30 से ज़्यादा ही है गदर 2 का, एंड 15 to 18 करोड़ के बीच में नेट क्वेश्चन दिख रहा है गाइस मुझे बॉलर शंकर का, एंड 7 to 10 के बीच में नेट क्वेश्चन दिख रहा है गाइस मुझे यहाँ पे OMG 2 का। तो फाइनली गाइस ये मेरी प्रेडिक्शन है, एंड मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ दो दिन पहले, एक दो दिन, बाकी देखो तीन दिन ही है, दो चलो दो ही ले लो, एक तो एक दिन जेलर का एक दिन बचा है। तो फाइनली गाइस आप सभी ने मुझे अपनी प्रेडिक्शन बता दी इन सभी मूवीज कितना कर सकती है, एंड किस किस ने इन मूवीज़ की एडवांस बुकिंग गाइस वो कर ली है, यानी कितने कितने टिकट्स गाइस बुक किए हैं, बाकी गाइस आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप, एंड बाकी जो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब इसी तरह अपडेटेड वीडियोस के लिए। तो बाकी गाइस मैंने सुना कि भाई गदर 200 करोड़ ही नेट क्वेश्चन कर रही है भाई सोशल मीडिया में चल रहा है, मुझे तो लगता है कि ये अपने 15 अगस्त पहले पहले ही 100 करोड़ कर लेगी, इवन वीकेंड में भी कर सकती है, तो ये पता नहीं कौन लोग बोल रहे हैं। तो बाकी इस कर लो सब्सक्राइब, बाकी सुबह मिलेंगे 7 से लेकर 7:30 बजे के बीच में, उसके बाद 8:30 बजे के बीच में OMG 2, एंड बाकी टाइम पे टाइम आता ही रहेगा एपिसोड, एंड एडवांस बुकिंग होगी, बॉक्स ऑफिस अच्छे रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो भी करेंगे सब कुछ अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलता है, इसलिए जस्ट इन चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके मिलता है नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए।